अब आप सभी को एक फाइल दिखाई दे रही होगी जिसमें एक प्रॉब्लम है। जरा प्रॉब्लम को स्टडी करिए आप, थोड़ा सा पढ़िए कि उसमें क्या क्या गिवन है डाटा, और फिर मैं इसे शुरू करता हूँ। थोड़ा सा हल्का सा पिछली क्लास में जो हमने डिजाइन समझी है उसको भी हल्का सा रिवाइज करूंगा, देन वी विल सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, है ना। ये काफी अच्छा न्यूमेरिकल है, इसके अंदर क्रैंकशाफ्ट का हर एलिमेंट डिजाइन करने वाले हैं, मतलब क्रैंक पिन भी डिजाइन करेंगे, है ना। क्रैंक पिन के बाद में हम शाफ्ट को भी डिजाइन करेंगे, क्रैंक वेब को भी डिजाइन करेंगे, और शाफ्ट को भी हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर डिजाइन करेंगे। कभी फ्लाईव्हील के पास डिजाइन करेंगे, कभी क्रैंक वेब के पास डिजाइन करेंगे, और दो दो क्राइटेरिया आएंगे, कौन सा क्राइटेरिया डिसीजन क्राइटेरिया होगा, ये सब बातों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो पहले मैं जरा सा देखिए, एक बार प्रॉब्लम को पहले पढ़ लेते हैं। सेंटर क्रैंकशाफ्ट, है ना। सेंटर क्रैंकशाफ्ट का मतलब आप जानते ही हैं कि जिसके अंदर दो क्रैंक होती हैं, है ना, दो वेब होती हैं, है ना, विच इज हैविंग टू वेब्स एंड थ्री बियरिंग्स, है ना। दो वेब तीन बियरिंग हो तो उसको हम सेंटर क्रैंकशाफ्ट कहते हैं। साइड क्रैंकशाफ्ट में एक बियरिंग कम हो जाती है, एक वेब कम हो जाती है, इसका मतलब एक क्रैंक और एक बियरिंग वो साइड क्रैंकशाफ्ट होती है। तो डिजाइन ए सेंटर क्रैंकशाफ्ट फॉर ए सिंगल सिलेंडर वर्टिकल इंजन, है ना। अब वर्टिकल इंजन हॉरिजेंटल इंजन, तो ये तो टर्म से ही आपको क्लियर है ना। वर्टिकल इंजन में जब पिस्टन की मूवमेंट जो है वो वर्टिकल है तो उसमें कुछ ग्रेविटी का इफेक्ट भी आता है वर्टिकल इंजन में, है ना। और हॉरिजेंटल इंजन में जो है पिस्टन की मूवमेंट हॉरिजेंटल होती है, तो जो हाई स्पीड इंजन होते हैं तो ग्रेविटी की वजह से वो ज्यादातर वर्टिकल इंजन डिजाइन किए जाते हैं, है ना। तो इससे यहाँ पर क्वेश्चन में कोई ऐसा लेना देना नहीं है। सो डिजाइन ए सेंटर क्रैंकशाफ्ट फॉर ए सिंगल सिलेंडर वर्टिकल इंजन, है ना। सिंगल सिलेंडर तो इसका मतलब ये सिंगल थ्रो है, इट इज नॉट ए मल्टी थ्रो क्रैंकशाफ्ट। तो ये सेंटर क्रैंकशाफ्ट है और सिंगल सिलेंडर है, सिंगल थ्रो है। यूजिंग द फॉलोइंग डाटा, सिलेंडर बोर कैपिटल डी आपको दे रखा है 125 mm, एल बाई आर रेशियो, है ना। इसमें कैपिटल एल लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड है, आर आपका क्रैंक रेडियस है, और एल और आर का जो रेशियो है वो आपको 4.5 दे रखा है, 4.5 दे रखा है, ठीक है। इस रेशियो को हम एन जीरो भी बोलते हैं कहीं कहीं पर, और इसको एक नाम से जाना जाता है ऑब्लिक्यूटी रेशियो, है ना। एल बाई आर को ऑब्लिक्यूटी रेशियो भी कहते हैं। किसी क्वेश्चन में ऑब्लिक्यूटी रेशियो दिया हो मतलब समझ जाइए वो एल बाई आर है। मैक्सिमम गैस प्रेशर 2.5 MPa है, तो मैक्सिमम गैस प्रेशर मतलब ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक, है ना। ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक जो प्रेशर है वो 2.5 MPa है, तो पावर स्ट्रोक के टाइम पर ही मैक्सिमम फोर्स जनरेट होता है, पावर स्ट्रोक के टाइम ही मैक्सिमम फोर्स जनरेट होता है। तो डिजाइन पर्पस के लिए ज्यादातर केस में मैक्सिमम फोर्स यूज किया जाता है ना। मैक्सिमम फोर्स यूज, हम अभी दो केस लेंगे जिसमें कहीं पर तो आपको मैक्सिमम प्रेशर यूज करोगे, और इस क्वेश्चन में दो प्रेशर दिए हुए हैं, एक मैक्सिमम गैस प्रेशर दिया है और अभी आगे इसमें आप देखेंगे कि एक प्रेशर और भी दिया हुआ है। तो दोनों प्रेशर में क्या डिफरेंस है और दोनों कौन से प्रेशर का कब यूज करना है ये भी इस क्वेश्चन से क्लियर होगा। लेंथ ऑफ द स्ट्रोक ये 150 mm दे रखा है, तो ये स्मॉल एल है ना। लेंथ ऑफ द स्ट्रोक जो है वो स्मॉल एल है, और लेंथ ऑफ द स्ट्रोक का यदि हम हाफ कर दें यानी 150 का आधा कर दें तो 75 mm हमारी क्या हो जाएगी, क्रैंक रेडियस हो जाएगी। तो जो स्मॉल आर है वो हमारी कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी, करेक्ट। अब वेट ऑफ द फ्लाई व्हील कम बेल्ट पुली, इसका मतलब जो क्रैंकशाफ्ट है उसके ऊपर फ्लाई व्हील भी अटैच है ना, फ्लाई व्हील अटैच है, और उस फ्लाई व्हील के ऊपर में बेल्ट पुली भी आ रहा है, मतलब बेल्ट पुली अरेंजमेंट भी है, तो बेल्ट में टेंशन आ जाएगी, है ना। तो फ्लाई व्हील का जो अपना वेट है वो तो 1 kN है, और बेल्ट में जो टेंशन है टोटल बेल्ट पुल जो है वो 2 kN है, मतलब टेंशन ऑन दी टाइट साइड को यदि हम T1 माने, टेंशन ऑन दी स्लैक साइड को यदि हम T2 माने, तो T1 + T2 की जो वैल्यू है वो 2 kN है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, हर लाइन का मतलब समझ में आना चाहिए कि देखो क्रैंकशाफ्ट है, पिछली बार जो न्यूमेरिकल किया था उसमें कोई फ्लाई व्हील नहीं था, कोई बेल्ट पुली नहीं थी, अभी ये क्वेश्चन थोड़ा एडवांस्ड है, इसमें क्रैंकशाफ्ट के ऊपर फ्लाई व्हील भी आ रहा है, बेल्ट पुली अरेंजमेंट भी है, फ्लाई व्हील का वेट दे रखा है 1 kN,
बेल्ट पुल दे रखा है 2 किलो न्यूटन, विथ ऑफ द हब फॉर द फ्लाईव्हील कम बेल्ट पुली ये 200 मिलीमीटर दिया है। इसका मतलब फ्लाईव्हील जो शाफ्ट पे एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है वो उसका जो हब है वो 200 मिलीमीटर का हब है ना। तो ये डिस्टेंस कहाँ पे यूजफुल होगी हमारे लिए ये भी मैं भी आपको बताऊंगा। बियरिंग्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है ना, सेंटर क्रैंक शाफ्ट में 3 बियरिंग होती हैं, बियरिंग 1, बियरिंग 2, बियरिंग 3। तो बियरिंग 1 और बियरिंग 2 के बीच में जो डिस्टेंस है और बियरिंग 2 और बियरिंग 3 के बीच में जो डिस्टेंस है, उन डिस्टेंस को कैलकुलेट करने में इस वाली डिस्टेंस का कहीं ना कहीं यूज आएगा। तो दैट आई विल एक्सप्लेन ड्यूरिंग द वर्किंग ऑन द वाइट बोर्ड, है ना। डायग्राम जब कराऊंगा तब इस 200 mm का मतलब आपको बताऊंगा। द टॉर्क ऑन क्रैंक शाफ्ट इज मैक्सिमम व्हेन द क्रैंक टर्न्स थ्रू 25 डिग्री। अब देखिए, जब हमने लास्ट टाइम डिजाइन को पढ़ा तो हमने उसमें दो केस कंसीडर किए थे। एक केस कंसीडर किया था जब हमारा थीटा जो है वो TDC यानी कि 0 डिग्री है, जब हमारी कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक रेडियस एक ही लाइन में आ गई हैं और वो सीध में है तो वो TDC पोजीशन कहलाती है, और उस पोजीशन पर हमारी क्रैंक शाफ्ट पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है, टॉर्क नहीं आता है ना। उस केस में केवल बेंडिंग मोमेंट आता है। तो केस 1 जिसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है, और एक केस 2 होता है जिसमें मैक्सिमम टॉर्क आता है। तो जो मैक्सिमम टॉर्क आता है उस वक्त की पोजीशन दे रखी है इन्होंने, थीटा इक्वल टू 25 डिग्री दे रखा है। जब थीटा 25 है तो फाई को हम निकाल सकते हैं। फाई कैसे निकलता है, आपको साइन रूल लगाना पड़ता है ट्राइंगल में, है ना। और साइन रूल में आपको पता है L/sin थीटा इक्वल टू r/sin φ। तो यदि हमको थीटा पता है, L/R का रेशियो भी पता है, तो हम फाई को निकाल सकते हैं, है ना। तो यदि हमें थीटा गिवन है तो फाई कैन बी फाइंड आउट। और फाई का यूज किस में आता है, फोर्सेस कैलकुलेट करने में, फाई का कंपोनेंट निकालने में फाई का यूज होता है। तो वंस थीटा इज नोन, फाई कैन बी कैलकुलेटेड। अब टॉर्क जो है सबसे ज्यादा कब है, जब थीटा की वैल्यू 25 डिग्री है फ्रॉम द टॉप डेड सेंटर एंड दिस एट दिस पोजीशन द गैस प्रेशर इनसाइड दिस सिलेंडर इज 2 MPa। तो मैक्सिमम टॉर्क वाली कंडीशन पर जो मैक्सिमम प्रेशर है वो 2 MPa है, और पावर स्ट्रोक के टाइम पे जो मैक्सिमम प्रेशर है वो 2.5 MPa है। तो जब हम केस 1 के हिसाब से डिजाइनिंग कर रहे होंगे तब तो हमको इस प्रेशर का यूज करना है जब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा हो। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कब आएगा, पावर स्ट्रोक के टाइम पर जब θ 0 होगा उस वक्त मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा। तो पावर स्ट्रोक के टाइम पे जो प्रेशर है वही यूज होगा, तो केस 1 में इस प्रेशर का इस्तेमाल होगा। और जब केस 2 पे आएंगे, मैक्सिमम टॉर्क पोजीशन पे आएंगे, जब θ 25 डिग्री होगा उस वक्त इस प्रेशर का यूज होगा, है ना। एग्जाम में अक्सर गलती करते हैं कि हम ऊपर वाले प्रेशर से ही दोनों फोर्सों को निकाल देते हैं, दोनों केस में प्रेशर अलग अलग है। अब आता है द बेल्ट आर इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, ये भी देखा है कि जो पुली के ऊपर बेल्ट है वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है। तो T1 और T2 की जो डायरेक्शन है वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है, और जो फ्लाईव्हील का वेट है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो क्रैंकशाफ्ट के ऊपर वर्टिकल प्लेन में भी फोर्सेस आ रहे हैं और हॉरिजेंटल प्लेन में भी फोर्सेस आ रहे हैं। तो इसका मतलब हमें क्रैंकशाफ्ट को दोनों प्लेनों में वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्टिकल प्लेन में भी हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, हॉरिजेंटल प्लेन में भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा, वर्टिकल प्लेन में भी बेंडिंग मोमेंट निकालना होगा, हॉरिजेंटल प्लेन में भी बेंडिंग मोमेंट निकालना होगा, दोनों का रिजल्टेंट भी निकालना होगा। दोनों का रिजल्टेंट अंडर रूट करके आप निकाल सकते हैं, उस रिजल्टेंट से फिर आप शाफ्ट को डिजाइन करने वाले हैं, ठीक है। यदि इस क्वेश्चन में ये लिखा होता हॉरिजेंटल की जगह वर्टिकल, मान लीजिए द बेल्ट्स आर इन हॉरिजेंटल की जगह वर्टिकल लिखा होता मान लीजिए, तो इसका मतलब जो वेट है वो तो वर्टिकल में अभी भी वर्टिकल में हमेशा वर्टिकल में रहता है, वेट तो ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी की वजह से वो हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में ही काम करता है, और जो बेल्ट पुल है वो भी वर्टिकल हो गया। इसका मतलब शाफ्ट पर वर्टिकल प्लेन में फोर्सेस काम कर रहे हैं, हॉरिजेंटल प्लेन में कोई फोर्सेस काम नहीं कर रहे हैं। तो आपकी प्रॉब्लम्स इजी हो गई, सरल हो गई। यदि ये वर्टिकल डायरेक्शन यहाँ लिखा होता तो इसका मतलब आपको केवल वर्टिकल प्लेन का ही FBD बनाना है, FBD हॉरिजेंटल प्लेन का FBD इसलिए नहीं बनाना क्योंकि उसमें कोई फोर्स ही नहीं है ना। तो आपकी प्रॉब्लम इजी हो जाएगी, इजी टू कैलकुलेट हो जाएगी, एक ही प्लेन से आपका काम चल जाएगा। बट यदि आपकी बेल्ट हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है तो आपको दोनों प्लेनों पर काम करना पड़ेगा, वर्टिकल प्लेन पे भी और हॉरिजेंटल प्लेन पर भी।
करेक्ट। अब लिखा है अज्यूम सुटेबल डाटा, तो कोई डाटा आपको अज्यूम करना पड़े तो अज्यूम करना ही पड़ता है, जैसे कि क्रैंक पिन है तो हमें क्रैंक पिन का मटेरियल अज्यूम करना होगा, उस मटेरियल के लिए हमको बेंडिंग स्ट्रेस, सियर स्ट्रेस है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेस, जो जो स्ट्रेस हैं उस मटेरियल के वो हमें मटेरियल अज्यूम करना होगा, और उनकी अलाउबल वैल्यू को आप या तो डाटा बुक से देख लीजिए या फिर आप लगभग किसी रेंज में, यदि आपको आइडिया हो कि एक प्लेन कार्बन स्टील के लिए वैल्यू इससे इसके बीच में होती है, तो उस रेंज के बीच में आप कोई भी वैल्यू अज्यूम करके क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अज्यूम सुटेबल डाटा हम अज्यूम कर लेंगे, क्रैंक पिन का मटेरियल क्रैंक पिन के लिए भी अज्यूम कर लेंगे, क्रैंक शाफ्ट के लिए भी अज्यूम कर लेंगे, और क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि क्रैंक पिन भी डक्टाइल मटेरियल की होती है, क्रैंक शाफ्ट भी डक्टाइल मटेरियल का होता है, तो आप क्रैंक पिन का, क्रैंक शाफ्ट का और क्रैंक का, इन तीनों का मटेरियल आप डक्टाइल मटेरियल में एक ही मटेरियल अज्यूम कर सकते हैं, है ना, यू कैन अज्यूम द सेम मटेरियल फॉर द क्रैंक पिन, फॉर द क्रैंक शाफ्ट एंड द क्रैंक वेव, तो उससे भी आपकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी फिलहाल रिड्यूस हो जाएगी, है ना। आप चाहें तो अलग अलग भी अज्यूम कर सकते हैं, पर यहाँ पर हम सेम मटेरियल ही अज्यूम, तो यहाँ पे अज्यूम सुटेबल डाटा एंड स्टेट द अजम्पशंस यू मेक, अजम्पशंस को आपको नोट डाउन भी करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है ये आपने थोड़ा सा समझा, अभी इसको व्हाइट बोर्ड से और समझिए कि क्वेश्चन वास्तव में है क्या। तो देखिए मैं दोबारा से व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, है ना। अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या है, बेसिकली आपको मैंने बताया था कि आपके पास एक क्रैंक पिन होती है, क्रैंक पिन के बाद में क्रैंक वेब होती है, सेंटर में दो क्रैंक वेब होती हैं, उसके बाद यहाँ पर शाफ्ट आ जाता है, ये आपका शाफ्ट है, ठीक है, यहाँ पर भी शाफ्ट आ जाता है लेफ्ट साइड में, है ना, यहाँ पर भी शाफ्ट आ जाता है, इसको मैं थोड़ा सा पास ले लेता हूँ हल्का सा, मान लीजिए ये आपकी क्रैंक पिन है, ये आपका जो है वेब है और ये आपकी शाफ्ट है, इस तरह से शाफ्ट है। अब इसके अंदर बियरिंग्स होती हैं, तो पहली बियरिंग यहाँ होती है, दूसरी बियरिंग यहाँ कहीं होती है, तीसरी बियरिंग यहाँ कहीं होती है, ठीक है, तो दो क्रैंक और तीन बियरिंग होती हैं, ये बियरिंग नंबर वन है, ये बियरिंग नंबर टू है, तो ये बियरिंग नंबर थ्री है, ये हमारा सेंटर क्रैंकशाफ्ट की जनरल डिजाइन होती है, ठीक है। अच्छा, अब दो केस होते हैं, तो पहले वाला केस की बात करता हूं, पहले वाले केस में क्या होता है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है, टीडीसी की बात कर, तो टीडीसी पर क्या होता है, जो गैस का फोर्स आता है ना, गैस का फोर्स जो बर्निंग बर्निंग होती है सिलेंडर के अंदर, उससे जो फोर्स जनरेट होता है वही फोर्स पिस्टन पिन पे आता है, वही फोर्स पिस्टन पिन से कनेक्टिंग रॉड पे आता है ना। अब आप देखो कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक दोनों एक सीध में हो गए, तो जितना फोर्स पिस्टन पिन पे आएगा उतना ही फोर्स क्रैंक क्रैंक कनेक्टिंग रॉड पे आएगा, उतना ही फोर्स क्रैंक पिन पर भी आएगा, सेम फोर्स है ना। तो ये जो फोर्स होता है इस फोर्स को हम कहते हैं गैस फोर्स एफजी, और ये अपने आप में मैक्सिमम हो जाता है थीटा इक्वल टू जीरो पर, थीटा इक्वल टू जीरो पर इस फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो जो प्रेशर है एक्सप्लोजन प्रेशर हमको दे रखा है 2.5 MPa, ठीक है। तो केस वन में हम इस फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए बड़ा इजी है कि फोर्स की वैल्यू आप निकाल लेंगे पाई बाय 4 d² मल्टीप्लाइड बाय पी मैक्स, तो ये आपका फोर्स निकल गया जो कि क्रैंक पिन के ऊपर आ रहा है, तो इस फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं, एफ जी मैक्स, है ना, एफ जी मैक्स बोल सकते हैं, एफ जी बोल सकते हैं या सिंपली एफ बोल सकते हैं चाहे, है ना, मान लीजिए कि सिर्फ F है ये, तो अब ये जो फोर्स F है ना, इस फोर्स को आप ध्यान से देखिएगा, ये जो फोर्स F है ये फोर्स आपका यहां पे आ रहा है, दिस फोर्स इज कमिंग ओवर हियर, ठीक है F। अब बियरिंग वन से लेके बियरिंग टू के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कहलाती है B। अब क्वेश्चन में ये डिस्टेंस दे नहीं रखी है हमें क्वेश्चन में, इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, है ना, तो इसके लिए एक अजम्पशन है कि बी को हम 2D मान सकते हैं, है ना, बी को हम एम्पिरिकली कितना मान सकते हैं, इफ इट इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन देन बी कैन बी अज्यूम 2D। अब 2D का मतलब हो गया 2 × d, d हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 125 mm दे रखा है, जो बोर डायमीटर है वो क्वेश्चन में गिवन है, तो ये कितना हो गया, 250 mm हो गया, इट इज 250 mm, राइट,
250 mm। तो ये वाली डिस्टेंस हमारी आ गई 250, करेक्ट। अब देखो ये फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है, फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये वाला जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये इस डिस्टेंस को दो भागों में डिवाइड करता है। पहला भाग हो जाता है b1, दूसरा भाग हो जाता है b2। दोनों बियरिंग्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसे वो टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक पार्ट हो जाता है b1, एक पार्ट हो जाता है b2, ठीक है। अब ये बियरिंग की लोकेशन यदि हम कुछ इस तरह से अज्यूम कर लें कि b1 और b2 आपस में इक्वल हो, है ना, ये भी अजम्पशन है। यदि बियरिंग की लोकेशन अलग अलग है, कुछ इस तरह से है कि b1 और b2 आपस में इक्वल नहीं है, और यदि आपस में इक्वल हैं तो अजम्पशन यहां पर भी अजम्पशन है। तो मैं यहां पर फिर एक बहुत सारे अजम्पशन लूंगा, तो ए और अजम्पशन को बकायदा मैं क्या करूंगा, लिस्ट आउट कर दूंगा। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि आप अजम्पशन लीजिए और उनको स्पेसिफाई करिए। तो एक अजम्पशन तो हो गया कि बी की वैल्यू 2d के बराबर है, दूसरा अजम्पशन हो गया कि b1 इक्वल टू b2 है। तो ये पूरा डिस्टेंस 250 है, इसका मतलब जो b1 की वैल्यू है, कितना जो हिस्सा है वो कितना हो गया, 125 हो गया, और जो बचा हुआ हिस्सा है वो कितना हो गया, 125, ठीक है। अब इतना काम करने के बाद आपने f निकाल लिया, f की वैल्यू आपको पता है ना, न्यूमेरिकली पता है, मतलब वो तो वैल्यू रख के आप न्यूमेरिकली निकाल लेंगे, पाई बाई फोर डी स्क्वायर इंटू पी मैक्स। तो f आपको पता है, f इज नोन टू यू, है ना, f जो है वो आपको मालूम है, तो f की वैल्यू आपको पता है, ये f आपको गिवन है। अब ये वाली बियरिंग जो है वो रिएक्शन देगी R1, और ये वाली बियरिंग जो है रिएक्शन देगी R2, ठीक है। तो चूंकि B1 और B2 आपस में इक्वल हैं, इसलिए R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा। R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, F डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी। यदि किसी शाफ्ट पे बीच में कोई फोर्स W आता है और उसमें दो सपोर्ट हैं, तो सपोर्ट की जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, W बाई 2 और W बाई 2 होती है, आप सभी बहुत पहले से जानते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे F फोर्स है, तो उसकी रिएक्शन जो है वो F/2 F/2 हो जाएंगी, क्योंकि मैंने B1 इक्वल टू B2 मान रखा है, दैट इज माई अजम्पशन, ठीक है। तो अब ये बताओ, ये जो R1 है और जो R2 है, ये कौन से प्लेन में रिएक्शन चल रही है, ये उसी प्लेन में चल रही है जिस प्लेन में ये फोर्स है, जिस प्लेन में ये फोर्स है, ये जो फोर्स है जिस प्लेन में ये फोर्स है वही वाली वैल्यू चल रही है, करेक्ट। तो ये वर्टिकल प्लेन में है, इसलिए मैंने इस रिएक्शन को R1V और R2V बोला है ना, इसकी ये भी सफिक्स लगाना जरूरी है, क्योंकि कुछ रिएक्शन वर्टिकल प्लेन में होंगी और कुछ रिएक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होंगी, इसलिए यहाँ पे वी सफिक्स मैंने लगा दिया है कि ये जो रिएक्शन है ये वर्टिकल प्लेन की रिएक्शन है, करेक्ट। चलिए, तो केस वन में ये वर्टिकल फोर्स आता है, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स तो आता नहीं है क्रैंक पिन के ऊपर, केस वन में क्रैंक पिन के ऊपर केवल वर्टिकल फोर्स आता है। तो जब वर्टिकल फोर्स आता है तो वर्टिकल रिएक्शन ही आएंगी, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं होंगी। तो ये हमारी वर्टिकल रिएक्शन की वैल्यू निकल गई F/2। अब आते हैं बियरिंग 2 से लेके बियरिंग 3 के बीच में। तो बियरिंग 2 से लेके बियरिंग 3 के बीच में एक फ्लाई व्हील लगा हुआ है, एक पुली लगी हुई है। क्या लगी हुई है, एक पुली लगी हुई है। अब इस पुली कम फ्लाई व्हील का जो पुली का जो वेट है तो वो W है। तो वेट कैसे काम करेगा, वर्टिकली काम करेगा। तो ये वेट भी वर्टिकल प्लेन में है। ये कौन से प्लेन में है, वर्टिकल प्लेन में है। तो इस W की वजह से बियरिंग नंबर 2 और बियरिंग नंबर 3 पर रिएक्शन जनरेट हो जाएंगी। तो एक रिएक्शन जनरेट हो जाएगी R3 और एक रिएक्शन हो जाएगी R2। लेकिन R2 हम पहले से लिख चुके हैं, जो F की वजह से R2 आ रहा था, इसलिए हम यहाँ पे एक नए सिंबल का यूज करेंगे, R2 और R3। ठीक है, अब डैश का मतलब मेरा सिर्फ यह है कि बियरिंग 2 पे और 3 पे जो भी रिएक्शन आएगी वेट की वजह से, उसको मैं डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और जो F की वजह से रिएक्शन आएंगी उनको मैं विदाउट डैश रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मतलब F की वजह से जो रिएक्शन है वो R1V और R2V, और W की वेट की वजह से जो रिएक्शन है वो R2-V, V इसमें भी लगा देते हैं क्योंकि ये वर्टिकल है, तो R2-V और R3-V।
ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं आर टू डैश वी इक्वल टू आर थ्री डैश वी, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। क्यों बराबर होंगी, उसके लिए भी रीजन है। रीजन वही है कि ये डब्ल्यू जो एक्ट कर रहा है, ये इन दोनों बेयरिंग के बिल्कुल बीचों बीच में एक्ट कर रहा है। तो इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं बेयरिंग टू से बेयरिंग थ्री के बीच का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है सी। बियरिंग वन और टू के बीच का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है स्मॉल बी। बियरिंग टू और बियरिंग थ्री के बीच का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है स्मॉल सी। और ये जो वेट है इस सी को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक सी वन और एक सी टू। और यदि मैं सी वन को सी टू के बराबर अज्यूम कर लूं तो फिर मेरी रिएक्शंस हाफ हाफ हो जाएंगी, आर टू डैश बी इक्वल टू आर थ्री डैश बी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टू। और ये भी रिएक्शन वर्टिकल प्लेन की है। तो देखो वर्टिकल प्लेन में मुझे कितनी रिएक्शंस मिल गई, वन टू थ्री फोर, चार रिएक्शन तो मुझे वर्टिकल प्लेन में मिल गए, करेक्ट। अब रिएक्शंस, चार रिएक्शंस आ गई। अब मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करता हूं, तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि ये जो पुली है, ये जो पुली है, इस पर जो बेल्ट टेंशन है, इस पर जो बेल्ट टेंशन है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। वो कौन सी डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कि इसका टेंशन T1 हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है और इसका टेंशन T2 भी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है। तो जो टोटल टेंशन है वो T1 प्लस T2 हो गया। तो T1 प्लस T2 जो है वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं जरा सा हॉरिजेंटल प्लेन का डायग्राम बताता हूं आपको कि देखिए ये आपकी बियरिंग टू है, ठीक है, और ये आपकी बियरिंग थ्री है। इसके ऊपर आपकी ये पुली लगी हुई है। पुली को राइट साइड से देखोगे तो आपको एक सर्किल दिखाई देगा, है ना, यू विल सी ए सर्किल ओवर देयर। और इस सर्किल पे आपको टेंशंस दिखाई देंगी और वो टेंशंस आपकी हॉरिजॉन्टल हैं T1 एंड T2। तो टोटल टेंशन आपकी कितनी हो गई, T1 प्लस T2, है ना। और वो T1 प्लस T2 किस पॉइंट पे एक्ट करेगी, इसी पॉइंट पे एक्ट करेगी। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो मैं यहां लिख दूंगा हॉरिजॉन्टल प्लेन, है ना। पहले जो चीजें डिस्कस हुई हैं वो वर्टिकल प्लेन में डिस्कस हुई हैं। तो इस शाफ्ट का जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो आप एक तरह से ऐसे दिखा सकते हैं कि इस पर जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो कितना आ रहा है, T1 प्लस T2 आ रहा है। ये देखने में आपको वर्टिकल मत मानिए इसको, मैंने क्या लिख दिया है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन का डायग्राम है। तो ये भले ही आपको फिलहाल वर्टिकल दिख रहा हो लेकिन ये हॉरिजॉन्टल है। सो T1 प्लस T2 की जो डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है शाफ्ट के ऊपर, है ना। तो इस T1 प्लस T2 की वजह से बियरिंग पे जो रिएक्शन जनरेट होगी, बियरिंग नंबर टू और बियरिंग नंबर थ्री, तो टू पे जो रिएक्शन जनरेट होगी वो आर टू डैश एच, एच मतलब हॉरिजेंटल, और थ्री पे जो रिएक्शन जनरेट होगी वो आर थ्री डैश एच, ये भी हॉरिजेंटल। तो इस क्वेश्चन में एक तो फोर्स है गैस का जिसकी वजह से दो वर्टिकल रिएक्शन, एक वेट है फ्लाई व्हील का जिसकी वजह से दो वर्टिकल रिएक्शन, और एक टेंशन है T1 प्लस T2 जो कि हॉरिजॉन्टल है और उसकी वजह से दो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। तो कुल मिलाकर कितनी रिएक्शंस आपके पास आ गई, सिक्स बियरिंग रिएक्शंस आपके पास आ गए, सिक्स बियरिंग रिएक्शंस। तो केस वन में आपके पास सिक्स बियरिंग रिएक्शन काम कर रही है। तो सबसे पहली ड्यूटी आपकी ये होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि आप फटाफट रिएक्शन निकाल लें, है ना। इतना सब जो समझाया है ये सिर्फ इसलिए समझाया है कि आप रिएक्शंस फटाफट निकाल लें। और रिएक्शन निकालने में कुछ नहीं करना है, पहली जो दो रिएक्शन है वो F/2 और F/2 होती है, दूसरी जो दो रिएक्शन है वो W/2 और W/2 होती है, और तीसरी जो दो अगली जो दो रिएक्शन है वो T1 प्लस T2/2 और T1 प्लस T2/2, इस तरह से वो रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये छह रिएक्शन मैंने फाइल में निकाली हुई है। अब आप, मैं वापस फाइल शेयर कर रहा हूं, तो उसमें आप इन सभी रिएक्शंस को एक बार देख लीजिए। तो इन रिएक्शंस को आप एक बार देखिए।
यहां तक का पार्ट क्लियर है आपको? क्रैंकशाफ्ट पार्ट टू, इस पीडीएफ को मैं शेयर करता हूँ। अब इसमें देखिएगा, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया, इसको जरा सा ऊपर ले लेते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखो सॉल्यूशन आया। सॉल्यूशन में हमने गिवन डाटा लिख लिया, ठीक है, कैपिटल डी एल वाई आर पी मैक्स एल डब्ल्यू दे रखा है 1000 न्यूटन, डब्ल्यू मतलब वेट, टी वन प्लस टी टू 2000 न्यूटन दे रखा है, न्यूटन में चेंज कर लिया सारी वैल्यू, है ना। थीटा 25, ये सेकंड केस है। तो अभी सेकंड केस पे हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम तो फर्स्ट केस पे बात कर रहे हैं। तो हमने हेडिंग डाल दिया केस वन, द क्रैंक इज एट टीडीसी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। केस वन का मतलब है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। इस केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है, नो टॉर्जन मूवमेंट, शाफ्ट के ऊपर केवल बेंडिंग मूवमेंट आता है, टॉर्जन मूवमेंट आता ही नहीं है। अब हमने मैक्सिमम फोर्स निकाल दिया, तो फोर्स का सिंपल फॉर्मूला है पाई बाय 4 d² p max। तो ये हमारा फोर्स आ गया एफ जी, और उतना ही फोर्स क्रैंक पिन पे आ गया एफ सी, है ना। तो इस फोर्स को हमने निकाल लिया वैल्यूज रखने के बाद 30,679 न्यूटन, है ना, सिंपल कैलकुलेशन। अब इसके बाद हमारा पार्ट आया रिएक्शन का, तो अब हमें रिएक्शन निकालनी है। तो रिएक्शन देखिए इसमें दे रखी है, ये जो डायग्राम में रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है, वर्टिकल प्लेन वाली रिएक्शन है। देखो एफ सी वर्टिकल प्लेन में काम कर रहा है, तो इसकी वजह से दो रिएक्शन आ गई, एक आर वन वी आ गई और एक आर टू वी आ गई, दो रिएक्शन आ गई आपके पास एफ सी की वजह से। तो आर वन वी इक्वल टू आर टू वी, दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि मैंने बी वन इक्वल टू बी टू अज्यूम कर रखा है। एफ सी बाई टू, एफ सी की वैल्यू 30,000 हमने निकाली है, ये डिवाइड बाई टू किया तो 15,339.81, ये हमारी दोनों रिएक्शन आ गई आर वन वी और आर टू वी, करेक्ट। अब आते हैं इधर डब्ल्यू की वजह से, इस डब्ल्यू की वजह से रिएक्शन कौन कौन सी बियरिंग पे आएंगी, बियरिंग टू पे आएंगी और बियरिंग थ्री पे आएंगी। इस डब्ल्यू का प्रभाव बियरिंग वन पे बिल्कुल नहीं होगा, सिमिलरली इस एफ सी का जो इफेक्ट है वो बियरिंग थ्री पे नहीं होगा, एफ सी का इफेक्ट वन और टू पे होगा, डब्ल्यू का इफेक्ट टू और थ्री पे होगा। तो आर ये दोनों रिएक्शन डब्ल्यू बाई टू से 500 न्यूटन आ गई, 1000/2 कर दिया सिंपली, ठीक है। वर्टिकल प्लेन की चारों रिएक्शन निकल गई, है ना, दो ये निकल गई और दो ये निकल गई। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन का डायग्राम देखिए, ये टी वन प्लस टी टू जो 2000 न्यूटन है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन का फोर्स है, तो इसकी वजह से बियरिंग टू पे और बियरिंग थ्री पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएंगी और वो वैल्यूज होंगी आर टू एच डैश और आर थ्री एच डैश। ये टी वन प्लस टी टू का हाफ कर दिया तो 1000 न्यूटन आ गया। इसका मतलब मेरे पास अब छहों की छह बियरिंग रिएक्शन अवेलेबल है, आई हैव ऑल दी रिएक्शंस, सारी रिएक्शन मेरे पास है ना। एक 15,000 समथिंग है, एक 500 समथिंग है और एक 2000 समथिंग है ना। इस तरह से ही मेरे पास छह रिएक्शन अवेलेबल है। बस अब यहां से बियरिंग रिएक्शन निकालने के बाद फिर आपका डिजाइन का काम, आप मतलब ये मान लीजिए कि बियरिंग रिएक्शन निकल गई तो आपका इनिशियल वर्क जो होता है डिजाइनिंग स्टार्ट करने का जो बैकग्राउंड होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो कभी भी क्वेश्चन करें क्रैंकशाफ्ट का तो पहले सबसे पहले आप रिएक्शंस पर फोकस करें, बियरिंग रिएक्शंस निकालें और बड़े आराम से निकलती है बाई टू बाई टू बाई टू एफ बाई टू डब्ल्यू बाई टू टी वन प्लस टी टू बाई टू, बाई टू करना है और छह रिएक्शन आपके पास आ जाएंगे। अब आते हैं डिजाइन ऑफ द क्रैंक पिन पे, ठीक है। अब क्रैंक पिन को डिजाइन करते हैं, ठीक है। क्रैंक पिन को डिजाइन करने के लिए देखिए मैं दोबारा से बोर्ड पे आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टू अगेन बोर्ड, इसे मैं कर देता हूँ क्लियर। अब देखिएगा इसमें क्रैंक पिन पे क्या स्थिति बनती है, ये हमारी क्रैंक पिन है, ये हमारा क्रैंक वेब है, ये भी क्रैंक वेब है, ठीक है। ये पहली बियरिंग है, ये दूसरी बियरिंग है, ठीक है। अब इस वाली बियरिंग पे जो रिएक्शन आई है उस रिएक्शन की कितनी वैल्यू आई है, आर वन वी। तो आर वन वी जो हमारी वैल्यू आई थी वो लगभग आई थी 15,739, कुछ ऐसे जाइए जो भी आई थी 15,000 समथिंग आई थी, मैं 15,000 मान लेता हूँ मोटा मोटा, मुझे तो समझाना है। तो ये वाली रिएक्शन 15,000 आई थी और ये वाली रिएक्शन भी लगभग 15,000 आई थी, 15,339 या जो भी हो, ठीक है। अब यहाँ फोर्स है आपका, ये जो फोर्स था एफ, तो इस फोर्स की वजह से ही तो ये रिएक्शन जनरेट हुई थी। अब हमें किसको डिजाइन करना है, क्रैंक पिन को डिजाइन करना है। ये क्रैंक पिन है हमारी, दिस इज क्रैंक पिन, ठीक है। अब इस क्रैंक पिन पर यदि मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है,
बेंडिंग मोमेंट होता है, अच्छा बेंडिंग मोमेंट किस पॉइंट पर सबसे ज्यादा होगा? बेंडिंग मोमेंट मिड पॉइंट पर सबसे ज्यादा होगा, मिड पॉइंट पर सबसे ज्यादा होगा। तो इस मिड पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए मुझे इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? लेफ्ट साइड का मोमेंट, इट इज द समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में देखें कि आपके पास एक फोर्स है और उस फोर्स की वैल्यू कितनी है? 15,000, है ना, रिएक्शन R1B, यही तो है। अब फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस करना है, तो ये डिस्टेंस कितनी है आपकी? B1, तो मल्टीप्लाइड बाय B1, ये आपका हो गया बेंडिंग मोमेंट। अच्छा B1 हमारा कितना था? B1 जो है वो B/2 होता है, और B को हमने अज्यूम किया था 2D/2, 2D, B को हमने 2D अज्यूम किया था, तो B1 की वैल्यू D आ गई, D मतलब 125 N, क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है वो आ गया 15,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना? 125, ये हमारा बेंडिंग मोमेंट आ गया। तो क्रैंक पिन पर कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है ये हमने निकाल लिया। निकालने में हमको किसकी जरूरत पड़ी? रिएक्शंस की जरूरत पड़ी, इसीलिए सबसे पहले आपको रिएक्शंस निकालना कंपलसरी है, क्योंकि जब तक आप रिएक्शन नहीं निकालेंगे तब तक आप बेंडिंग मोमेंट नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, वैसे एक शॉर्टकट भी होती है बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए, FFB/4, है ना, वो भी होती है, FB/4 में भी निकाल सकते हैं। लेकिन रिएक्शन की जरूरत केवल ऐसा नहीं है कि क्रैंक पिन पे ही पड़ने वाली है, रिएक्शन की जरूरत आपको क्रैंक शाफ्ट पर भी पड़ेगी जब आप क्रैंक शाफ्ट को डिजाइन करेंगे, और रिएक्शन की जरूरत आपको उस वक्त भी पड़ेगी जब आप क्रैंक वेब को डिजाइन करेंगे। यानी कि क्रैंक पिन हो, क्रैंक वेब हो, क्रैंक शाफ्ट हो, किसी को भी डिजाइन करोगे तो आपको बेंडिंग मोमेंट या टॉर्जन मोमेंट निकालना ही होगा, और इन मोमेंट्स को निकालने के लिए रिएक्शंस जो है वो परम आवश्यक है, बिना रिएक्शंस के ये वैल्यूज नहीं निकलेंगी, इसलिए फोकस ऑन द रिएक्शंस। तो मैंने क्या किया, क्रैंक पिन के सर ये ऊपर जो बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया। हाँ बोलिए। मैं वेंडिंग मोमेंट निकाला सर, आपने एक फोर्स से निकाला था RB1 से सर, RB1 से, यस। RB2 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पे? नहीं देखो, बेंडिंग मोमेंट की कंसेप्ट को समझो। बेंडिंग मोमेंट यदि आपने सॉम पढ़ा है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स आपने पढ़ी है, तो बेंडिंग मोमेंट जो निकाला जाता है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके बताता हूँ तुम्हें। जैसे कि मान लीजिए कोई भी शाफ्ट है आपके पास, मान लीजिए ये शाफ्ट है और इस शाफ्ट के ऊपर ढेर सारे फोर्स आ रहे हो, ठीक है, काफी सारे फोर्स आ रहे हो, मान लो कोई फोर्स P1 है, कोई फोर्स P2 है, कोई फोर्स P3 है, और मान लो ये दो दो बियरिंग्स पे सपोर्टेड है सपोज, तो एक रिएक्शन तो इस बियरिंग से आ जाएगी R1 और एक रिएक्शन इस बियरिंग से आ जाएगी R2। मान लो कि वर्टिकल प्लेन में है सारे फोर्स, तो दो रिएक्शन आ गई R1 भी R2 भी। अब मान लीजिए इस शाफ्ट के ऊपर कई सारे पॉइंट हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ठीक है। अब इस सिचुएशन में कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट लग रहा है या किस पॉइंट पर कितना बेंडिंग मूवमेंट है, तो उसको निकालने का एक प्रोसीजर होता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे पॉइंट ए पे निकालना है यदि फोर्स, मुझे पॉइंट ए पर यदि बेंडिंग मूवमेंट निकालना है, तो मैं कैसे करूंगा? आई विल राइट MA, है ना, थोड़ा सा मैं इसे रब कर लेता हूँ, एरिया बना लूँ पहले आपके लिए। देखो बेंडिंग मूवमेंट निकालने का जो तरीका होता है, बेंडिंग मोमेंट को या तो लेफ्ट साइड से निकालिए या राइट साइड से निकालिए, दोनों से आंसर सेम आता है, ठीक है। तो अब इस P1 वाले पॉइंट पर, है ना, इस पॉइंट पर मतलब ए पॉइंट पर, तो बेंडिंग मोमेंट जो है ए पॉइंट का जो बेंडिंग मोमेंट है उसे मैं लिखूंगा MA इक्वल टू, तो ए के लेफ्ट में फोर्सों की संख्या क्या है? कम है, एक ही फोर्स काम कर रहा है, और राइट साइड में देखूं तो एक, दो और तीन, तीन फोर्स काम कर रहे हैं। तो यदि मैं लेफ्ट साइड से बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा तो मुझे क्या करना है? लेफ्ट का मोमेंट देखना है, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स की वैल्यू कितनी है? रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, बस एक ही फोर्स से मेरा मोमेंट निकल जाएगा। यदि मैं राइट साइड से मोमेंट निकालूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले ये वाला फोर्स लेना पड़ेगा इनटू डिस्टेंस, फिर ये वाला फोर्स लेना पड़ेगा उसकी डिस्टेंस, फिर ये वाला फोर्स लेना पड़ेगा उसकी डिस्टेंस। इन तीनों फोर्सों का एल्जेब्रिक समेशन करना पड़ेगा, मोमेंट्स का एल्जेब्रिक समेशन करना। एल्जेब्रिक से मतलब कोई मोमेंट तो क्लॉकवाइज होगा, कोई मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो फिर आपको उसमें साइन कन्वेंशन भी लेना पड़ेगा कि एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज इज नेगेटिव। तो आप इन तीनों को जब आप सम करके निकालेंगे आंसर,
तो जो आंसर राइट साइड से आता है वही आंसर लेफ्ट साइड से सिंगल फोर्स से आ जाएगा। ये हमने सोम में पढ़ाया कंसेप्ट है ना। तो अब यहां पर आप जो जब बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो या तो आप बेंडिंग मोमेंट लेफ्ट साइड से निकाल लीजिए, लेफ्ट साइड से, या फिर आप बेंडिंग मोमेंट राइट साइड से निकाल लीजिए। अब राइट साइड में आप देखेंगे बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, R2B रिएक्शन भी है, R3 की रिएक्शन भी है, वेट ऑफ फ्लाईव्हील भी है, मतलब ढेर सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं राइट साइड में। तो बेंडिंग मोमेंट को निकालना लेफ्ट से इजी है या राइट से इजी है, ये आपको चॉइस करना है कि आंसर तो दोनों तरफ से बराबर ही आना है, तो आपको चॉइस करना है कि बेंडिंग मोमेंट लेफ्ट से निकाला जाए या राइट से निकाला जाए। तो मैंने यहां पर चॉइस ये ली है कि मैंने बेंडिंग मोमेंट को लेफ्ट से निकाला है, इसलिए लेफ्ट वाली रिएक्शन का मैंने यूज किया है, राइट वाली रिएक्शंस का मैंने कोई यूज मुझे जरूरत ही नहीं है करने। तो आई थिंक योर आंसर इज क्लियर। किसने पूछा था क्वेश्चन? यस सर, क्लियर। हाँ, तो चलिए अब मैं आगे चलता हूं, तो मैं इसे जरा क्लियर कर लेता हूँ। तो देखिए हमारे पास क्रैंक पिन है, क्रैंक पिन से हमारे क्या लगे हुए हैं, क्रैंक वेब लगे हुए हैं है ना। एक बियरिंग हमारी यहाँ पर है, बियरिंग नंबर वन, और एक बियरिंग हमारी यहाँ पर है, बियरिंग नंबर टू, और एक बियरिंग हमारी थोड़ा दूर है, दैट इज बियरिंग नंबर थ्री। दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री है ना। यहाँ पर रिएक्शन मैंने निकाल ली, रिएक्शन को मैंने डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे बेंडिंग मोमेंट मिल गया। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट की मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गई है ना। कंसेप्ट समझिए, बाकी सॉल्यूशन तो फाइल में हो ही रहा है। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस करके मेरे को क्या मिल गया, बेंडिंग मोमेंट मिल गया। अब बेंडिंग मोमेंट की वजह से क्या जनरेट होगा, बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगा। किसके अंदर? क्रैंक पिन के अंदर। बात तो क्रैंक पिन की चल रही है ना, तो क्रैंक पिन के अंदर क्या जनरेट होगा, बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगा। अब बेंडिंग स्ट्रेस के लिए क्या फॉर्मूला है आपके पास, आपको बहुत अच्छे से पता है कि बेंडिंग स्ट्रेस इज गिवन बाय 32 mb डिवाइडेड बाय पाई डी क्यूब। बेंडिंग इक्वेशन से आ जाता है ये तो आप सबको पता है, पहले से पता है। देखो क्रैंक पिन भी एक तरह का क्या है, सर्कुलर डायमीटर है, तो एक तरह से शाफ्ट है, और शाफ्ट के ऊपर जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है वो 32 mb डिवाइडेड बाय पाई डी क्यूब होता है ना। ये उसी फॉर्मूले से निकल के आता है, सिग्मा बी जो होता है वो my/i होता है या m/z होता है। ठीक है, जेड क्या है, सेक्शन मॉडुलस। तो आप चाहे इससे निकालें चाहे इससे निकालें, बात एक ही आती है। तो सर्कुलर डायमीटर DC इसका डायमीटर है, तो यहाँ पे डी की जगह क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। यदि क्रैंक पिन का डायमीटर DC है तो यहाँ पे पाई DC³ हो जाएगा। जब हम इसी चीज को शाफ्ट पे लगाएंगे और शाफ्ट का डायमीटर डी होगा तो वहां पे केवल डी रहेगा, करेक्ट। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब देखो MB तो हमें पहले ही हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब सिग्मा बी जो है ये मटेरियल प्रॉपर्टी है, मान लेते हैं कि मटेरियल प्लेन कार्बन स्टील है, क्रैंक पिन का मटेरियल जो है वो प्लेन कार्बन स्टील है या अलॉय स्टील है, जो भी मानना है। तो मैंने ये कहा कि प्लेन कार्बन स्टील के लिए जो सिग्मा बी की लिमिट होती है, अलॉयबल सिग्मा अलॉयबल कितना परमिसिबल है, तो वो 75 MPa, 70 से 90 के बीच में मैंने अज्यूम कर लिया कि 75 MPa जो है मेरा अलॉयबल वैल्यू है। तो मैं क्या करूंगा, 75 की जगह तो मैं सिग्मा बी की जगह तो मैं 75 यूज कर लूंगा है ना। सिग्मा बी की जगह मैं क्या यूज कर लूंगा, 75 यूज कर लूंगा। तो आई विल राइट सिग्मा बी की जगह 75, 32, बेंडिंग मोमेंट मैं निकाल चुका हूं जो भी वैल्यू होगी, डिवाइडेड बाय पाई DC³। तो यहां से मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी, DC मेरा निकल के आ जाएगा, और DC निकल गया इसका मतलब मेरी क्रैंक पिन डिजाइन हो गई, करेक्ट। तो क्रैंक पिन को देखो, हमने उस वक्त जब हमने कनेक्टिंग रॉड के टाइम पे क्रैंक पिन डिजाइन की थी तो उस वक्त हमने क्रैंक पिन को बियरिंग प्रेशर के हिसाब से डिजाइन किया था है ना। क्रैंक पिन को बियरिंग प्रेशर के हिसाब से डिजाइन किया था। क्रैंक पिन पे आने वाला जो फोर्स है, फोर्स की वैल्यू क्या है, FFC इक्वल टू एरिया, एरिया क्या हो जाता है, LD। तो मैंने लिखा था LC लेंथ ऑफ द क्रैंक पिन, डायमीटर ऑफ द क्रैंक पिन, ये हो गया एरिया, एरिया मल्टीप्लाइड बाई बियरिंग प्रेशर। आपको याद आ रहा हो तो कनेक्टिंग रॉड के टाइम पर जब हमने क्रैंक पिन को डिजाइन किया था तो हमने इस फॉर्मूले से डिजाइन किया था, और इस फॉर्मूले में हमने बियरिंग प्रेशर को अज्यूम किया था कि बियरिंग प्रेशर की वैल्यू 10 से ज्यादा नहीं हो या 15 से ज्यादा नहीं हो, वो हमारा अज्यूम्पशन था। तो अब हमने डायमीटर यहां से भी निकाल लिया, डायमीटर वहां से भी निकाल लिया, तो इन दोनों डायमीटर में जो वैल्यू ज्यादा होगी, लार्जर वैल्यू होगी, उससे बियरिंग प्रेशर से यदि डायमीटर ज्यादा आ रहा है, सो दैट इज द डिसीजन क्राइटेरिया।
और यदि बेंडिंग से डीसी ज्यादा आ रहा है देन बेंडिंग इज द क्राइटेरिया, और इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा उसको ही हम एक्सेप्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अब जरा सा फाइल में देख लीजिए कि इस डिजाइन को मैंने आगे कैसे किया है, क्रैंक पिन की डिजाइन को, है ना। तो चलिए मैं जरा सा बोर्ड शेयर करता हूँ, बोर्ड नहीं फाइल शेयर करना है मुझे। देखिए रिएक्शन निकलने के बाद मेरा हेडिंग है, बी पॉइंट को ध्यान से देखिए, बी पॉइंट क्या है, डिजाइन ऑफ क्रैंक पिन। तो डिजाइन ऑफ क्रैंक पिन में मैंने क्या किया, बेंडिंग स्ट्रेस 32 MB/πDC³ होता है ना। क्रैंक पिन का मटेरियल मैंने मान लिया कि उसका जो अलॉयबल वैल्यू है वो 75 MPa है। बेंडिंग मोमेंट मैंने निकाल लिया लेफ्ट साइड से, क्योंकि राइट साइड में कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, तो लेफ्ट साइड से मैंने निकाल लिया रिएक्शन इनटू डिस्टेंस। तो ये रिएक्शन 15,339 × 19 समथिंग आ गया, कितना आ गया ये, कितना है 19,17,476, 19 लाख है ना, या 1 लाख, नहीं 19,17,476 है ना, 19 लाख के आसपास बेंडिंग मोमेंट आ रहा है न्यूटन मिलीमीटर। फिर मैंने इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की हैं, तो डीसी की वैल्यू आ गई 63.86, 65 MPa मैंने राउंड ऑफ कर दिया है, 63.86 है, तो उसे 65 मैंने मिलीमीटर की क्रैंक पिन यूज कर लिया। अब उसमें बियरिंग प्रेशर को मैंने चेक कर लिया है, यदि बियरिंग प्रेशर मेरा लिमिट से कम है तो मेरे पिन की डिजाइन सेफ है। तो बियरिंग प्रेशर वही हो गया FC/DCLC, जो भी फॉर्मूला बताया, FC पता है 30,669, डीसी और LC, डीसी की वैल्यू 65 mm आई है। अब LC की वैल्यू वो डिपेंड करेगी कि आपने LD का रेशियो कितना अज्यूम किया है, तो LD का रेशियो हमने 1 अज्यूम कर लिया, तो LC और DC इक्वल हो गए, तो जितना DC हो गया उतना ही LC हो गया, तो 65 × 65 सॉल्व किया तो 7.26 आ गया, जो 10 MPa से कम है, इसका मतलब क्रैंक पिन की डिजाइन सेफ है। तो कहने का मतलब क्रैंक पिन को यदि आप बियरिंग बेंडिंग से डिजाइन करते हैं तो बियरिंग प्रेशर चेक कर लो, यदि बियरिंग प्रेशर से डिजाइन करते हो तो बेंडिंग चेक कर लो, चेक दोनों करना है। ठीक है, तो ये डिजाइन ऑफ द क्रैंक पिन कंप्लीट होती है, और इसमें कुछ भी नहीं था, रिएक्शन निकालने के बाद मूवमेंट निकालना है, और मूवमेंट निकालने के बाद वो फॉर्मूला लगा देना है 32 MB/πDC, दैट्स ऑल। ठीक है, अब आगे चलता हूं, डिजाइन ऑफ द शाफ्ट पे आ जाते हैं। क्रैंक पिन तो डिजाइन हो गई, पिन के बाद शाफ्ट पे जाएंगे, शाफ्ट के बाद वेब पे जाएंगे। ठीक है, वेब की डिजाइन थोड़ा कम इंपॉर्टेंट होती है, ज्यादातर जो डिजाइन इंपॉर्टेंट होती है वो क्रैंक पिन की होती है और शाफ्ट की डिजाइन इंपॉर्टेंट होती है। तो शाफ्ट पे आ रहे हैं पहले, आप चाहें तो बीच में वेब पे भी जा सकते हैं, कोई ऐसा रूल नहीं है कि सीधे शाफ्ट पे आ जाएंगे। तो मैं शाफ्ट पे आ गया हूँ सीधा, डिजाइन ऑफ द शाफ्ट अंडर फ्लाई व्हील। चलिए अब मैं शाफ्ट पे बात कर लेता हूँ कि शाफ्ट को कैसे डिजाइन करेंगे। तो दोबारा से व्हाइट बोर्ड पे आ रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा शाफ्ट की डिजाइन कैसे होगी, केवल कंसेप्ट समझ लीजिएगा, बाकी कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, फाइल में है। देखिए अब शाफ्ट पे आ रहे हैं, ये हमारी क्रैंक पिन है, ये हमारा वेव है दोनों तरफ, ये हमारा शाफ्ट है इस तरह से, ये बियरिंग नंबर 2 है, ये बियरिंग नंबर 3 है, ये बियरिंग नंबर 1 है, करेक्ट। अब हमें शाफ्ट को डिजाइन करना है, तो फोकस किस पर है हमारा, शाफ्ट पे फोकस है। ठीक है, और शाफ्ट पे क्या चीज लगी हुई है, बीच में पुली लगी हुई है। तो देखो शाफ्ट का डायमीटर कहां पर क्रिटिकल है, सबसे ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, सबसे ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट शाफ्ट के अंदर वो पॉइंट है जहां पर पुली को लगाया गया है। तो ये पुली का क्या है, हब है, दिस इज द हब ऑफ द पुली, जितनी लेंथ पे ये पुली लगी हुई है उसको हमने कहा हब। और हब लेंथ जो दे रखी है क्वेश्चन में वो आपको दे रखी है 200 mm, कितनी दे रखी है 200 mm दे रखी है, करेक्ट। अब देखो ये बियरिंग 2, ये बियरिंग 3, पुली ने कितनी जगह घेर ली 200, तो ये बची हुई जगह और ये बची हुई जगह ये क्वेश्चन में दे नहीं रखी है, इट इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन। ठीक है, मान लीजिए मैं बिल्कुल भी बीच में जगह ना छोड़ू, बियरिंग लगा दूं, बियरिंग के बाद पुली लगा दूं, पुली के बाद फिर बियरिंग लगा दूं, मैंने पुली और बियरिंग के बीच में कोई जगह नहीं छोड़ी, ठीक है, बियरिंग और पुली के बीच में कोई जगह, आपस में तीन आपस में चिपक गए हैं, बियरिंग 2 फिर पुली और फिर बियरिंग 3, आपस में एक दूसरे से क्या हुआ है, बिल्कुल पास पास आ गए, एडजॉइनिंग हो गए। तो उस केस में आप देखिए ये वाली डिस्टेंस 200 है और बियरिंग की डिस्टेंस भी क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, जनरली हम लोग उसको 50 mm मान लेते हैं,
कि एक बियरिंग कम से कम कितनी जगह ऑक्यूपाई करेगी, तो मिनिमम से मिनिमम 50 mm तो एक बियरिंग ऑक्यूपाई करती ही करती है। सिमिलरली ये वाली जो बियरिंग है ये भी 50 mm ऑक्यूपाई करेगी। तो अब बताइए टोटल लेंथ कितनी हो गई बियरिंग टू और बियरिंग थ्री के बीच में, 50 + 200 + 50 यानी कितनी हो गई टोटल 300, है ना। 200 में मैंने 50 50 जोड़ दिया तो कितनी हो गई 300। इसका मतलब बियरिंग टू से लेके बियरिंग थ्री के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस हो सकती है वो 300 तो होनी ही चाहिए। तो आप इसको या तो 300 से ज्यादा अज्यूम करिए या 300 तो मिनिमम अज्यूम करना ही करना है आपको। ये मेरी बात समझ में आई आपको कि मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस आपको 300 तो अज्यूम करना ही करना है। 200 तो उसकी हो गई पुली की, 50 बियरिंग टू की और 50 बियरिंग थ्री की। तो मैंने इस डिस्टेंस को जो कि मैं सी बोलता हूं, इस डिस्टेंस को अज्यूम कर लिया, मिनिमम से मिनिमम अज्यूम कर लिया मैंने कि ये डिस्टेंस 300 mm है, ठीक है। अब ये जो फ्लाई व्हील या पुली लगी हुई है ये मैंने अज्यूम कर लिया कि ये बिल्कुल बीचों बीच लगा हुआ है, तो 300 का आधा आधा कर दिया मैंने कि ये 150 ये हो गया और 150 ये हो गया, यानी कि C1 भी 150 हो गया और C2 भी 150 हो गया। C के दो पार्ट कर दिए, ठीक है। अब मुझे करनी है शाफ्ट की डिजाइन। तो शाफ्ट की डिजाइन देखो यहां करना ज्यादा ठीक है या इस वाली बियरिंग पे करना ठीक है या फिर इस बियरिंग पे करना ठीक है या फिर इस वाले पार्ट पे करना ठीक है, बताओ चारों में से कौन सा पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है। जहां पर पुली लगी हुई है बेल्ट के टेंशन आ रहे हैं, है ना, जहां पे हब है उस वाले जंक्शन पे शाफ्ट क्रिटिकल है, तो शाफ्ट का डायमीटर हम इस जंक्शन वाले पॉइंट पर ही निकालेंगे और इस डायमीटर को हम बोलेंगे डीएस, है ना, डीएस डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, है ना। और जो जनरल डायमीटर है उनको आप अलग अलग नाम दे सकते हैं। यहाँ के डायमीटर को हो सकता है कि आप DS1 दे दें, यहाँ के डायमीटर को DS2 दे दें, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डायमीटर है वो ये वाला डायमीटर है DS, है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है लोग ज्यादा कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, वो डीएस को निकाल लेते हैं और डीएस के हिसाब से ही पूरे शाफ्ट का डायमीटर सेम रख लेते हैं, है ना। डीएस के हिसाब से ही पूरे डायमीटर को सेम सेम रख लेते हैं क्योंकि यही क्रिटिकल पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे डिजाइन हो गया इसका मतलब बाकी जगह तो इतने से आराम से काम चल जाएगा, तो शाफ्ट सेफ रहता है उसमें, है ना। लेकिन वो ऑप्टिमाइज नहीं होता, कॉस्ट उसमें ज्यादा आ जाती है। तो ज्यादा यदि बारीकी में जाना है, बजट की लिमिटेशन है, तो फिर आपको शाफ्ट को कई जगहों पर डिजाइन करना पड़ेगा और फिर उसको स्टेप शाफ्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम अपनी स्टडी को फोकस करेंगे केवल इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, इस पॉइंट पर कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है यही हमें निकालना है। तो कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है अब इस पॉइंट पर निकालना है। तो अब ये बताओ कि इस पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट इधर से निकालना ठीक होगा, मतलब राइट साइड से निकालना ठीक होगा या लेफ्ट साइड से निकालना ठीक होगा, बताइए किधर से निकालना सही होगा। और दोनों तरफ से आंसर तो बराबर आता है, ये कंसेप्ट है। राइट साइड से सर। तो राइट साइड से निकालना आसान होगा क्योंकि राइट साइड में केवल एक रिएक्शन है और लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो दो दो तो रिएक्शन है, उसके अलावा ये फोर्स भी आ रहे हैं, ढेर सारी मतलब कॉम्प्लेक्सिटी है। तो लेफ्ट साइड की कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हम राइट साइड से इसका बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे। तो अब राइट साइड से बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट, अब बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं तो देखो यहां जो ये पुली थी इसका वेट कितना था, डब्ल्यू। W की वजह से यहां पर रिएक्शन कितनी आ रही थी, W/2। तो राइट साइड में फोर्स कितना है, W/2। तो आप लिखेंगे W/2 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है, C2। C2 की वैल्यू कितनी है, 150। और W आपको कितना दे रखा है, 1000 न्यूटन। तो ये रिएक्शन कितनी हो गई, 1000/2 यानी 500 हो गई। तो आपको 500 × 150 करना है कुल मिलाकर, तो 500 × 150 आपका बेंडिंग मोमेंट आ गया। और ये बेंडिंग मोमेंट कौन से प्लेन में आया, ये बेंडिंग मोमेंट वर्टिकल प्लेन में आया क्योंकि ये W जो फोर्स है ये वर्टिकल फोर्स है, वर्टिकल प्लेन का ग्रेविटी का फोर्स है, तो वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स है वर्टिकल, तो हमको वर्टिकल बेंडिंग मोमेंट मिल गया। अब हम हॉरिजॉन्टल बेंडिंग मोमेंट भी इस पर एक्ट करेगा, वो क्यों एक्ट करेगा उसको भी समझिए। इसी वाले पॉइंट पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लग रहा है और उस फोर्स की वैल्यू कितनी है, T1 + T2, क्योंकि जो बेल्ट है पुली के ऊपर जो बेल्ट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये वर्टिकल डायरेक्शन है, दोनों के बीच के एंगल को आप 90 डिग्री मानिए, ये 90 डिग्री है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। तो
अब इस वाले फोर्स की वजह से, ये हॉरिजेंटल प्लेन का फोर्स है, तो इस फोर्स की वजह से यहाँ पे फिर रिएक्शन जनरेट होगी और वो हॉरिजेंटल रिएक्शन होगी और उस रिएक्शन की वैल्यू होगी T1 प्लस T2 बाई 2। तो वो जो रिएक्शन है आपको कितनी मिल गई, T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2, T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2। अब T1 प्लस T2 क्वेश्चन में आपको दे रखा है 2 किलो न्यूटन यानी कि 2000, कितना दे रखा है 2000 दे रखा है। तो रिएक्शन की वैल्यू हो गई 2000/2 यानी कि 1000 न्यूटन हो गई, रिएक्शन आपकी कितनी आ गई 1000, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन 1000 आ गई। तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस तो वही है C2 यानी कि 150, तो 1000 × 150 ये आपका हॉरिजॉन्टल बेंडिंग मोमेंट आ गया। अब देखिए वर्टिकल बेंडिंग मोमेंट, हॉरिजॉन्टल बेंडिंग मोमेंट, तो नेट बेंडिंग मोमेंट कितना हुआ, एमबी नेट। नेट बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, रूट एमबी एच स्क्वायर प्लस एमबी वी स्क्वायर, यही तो करते हैं जब किसी दो वेक्टर परपेंडिकुलरली काम करते हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होता है। आपने पढ़ा है जब दो फोर्स परपेंडिकुलरली काम करते हैं पी और क्यू, तो इनका रिजल्टेंट कितना होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, चाहे वो फोर्स हो चाहे मोमेंट हो, मोमेंट भी वेक्टर है फोर्स भी वेक्टर है, सेम कॉन्सेप्ट भी देर है। सो एम बी नेट आपका इस तरह से आ गया। अब इस एम बी नेट के बाद मेरे से टाइम खत्म हो रहा है, नेक्स्ट क्लास में हम कर सकते हैं इसको। तो ये साफ्ट की डिजाइन में बस मूवमेंट आ गया, तो मूवमेंट के बाद तो वही फॉर्मूला है कि 32 एमबी एमबी नेट डिवाइडेड बाय पाई डीएस क्यू, और इस लिमिट को कितना मान लेंगे, बेंडिंग लिमिट को वही 75 मान लेंगे, सेम मटेरियल जो हमने क्रैंक पिन के लिए मटेरियल माना है वही हमने इसके लिए मान लिया, और यहां से हमको डीएस मिल जाएगा। तो हमारे साफ्ट की डिजाइन पूरी हो चुकी है, ठीक है। तो क्रैंक पिन और साफ्ट आज हमने कर लिया है, क्रैंक वेब को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और थोड़ा क्वेश्चन काफी समझने का है, काफी लेंदी है, कंसेप्ट समझ लीजिए, बाकी तो सोल्यूशन है ही है। तो मैं अभी क्लोज करता हूँ, टाइम 11:01 हो गया है, मैं मतलब फिलहाल इसको स्टॉप शेयर कर रहा हूँ। कोई आपका क्वेश्चन हो इस वक्त तो एक मिनट दे सकता हूँ आपको, जल्दी से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बोल दीजिए, अनम्यूट हो जाइए और बोल दीजिए प्लीज। हाँ शुभम चौधरी बोलिए। क्रैंक पिन और क्रैंक शाफ्ट इसको और आप रिवाइज कर लीजिएगा। तो यदि कोई किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है देन आई विल एंड द क्लास, है ना, एंड करूं? यस सर। चलिए थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी स्टे एट होम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।